दोस्तों, प्रकाश की गति से यात्रा करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ कैलकुलेशंस से हम थियरी बनाकर ये जान पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या क्या दिख सकता है। दोस्तों, साइंस के कैलकुलेशन परफेक्ट होते हैं। हम रियल ब्लैक होल की खोज से एक सदी से भी ज्यादा पहले ये जान पाए थे कि ब्लैक होल होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। और आखिरकार हमने रियल ब्लैक होल को खोज निकाला और वो वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। और दोस्तों, ऐसे ही कैलकुलेशंस के आधार पर हम आज ये जान पाए हैं कि अगर हम प्रकाश की गति से सफर करें तो हमें क्या क्या नजारे दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप दो चीजें देख पाओगे, एक तो प्रकाश की गति से अगर हम यात्रा करें तो हमें क्या दिखेगा, और दूसरा अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से स्पेस में यात्रा कर पाए तो हमें क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप है द नॉलेज के साथ, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, और चले जानते हैं कि प्रकाश की गति से यात्रा करें तो हमें क्या दिखाई देगा। जब हम स्पीड ऑफ लाइट से चलने की शुरुआत करेंगे तो पहले तो अचानक ही हमारे देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे विजन का व्यू थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा कुछ ज्यादा दृश्य दिखेगा। उसके बाद हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि ब्रह्मांड हमसे दूर जा रहा है और हमें ब्रह्मांड का कलर ब्लूइश दिखेगा, और उसके बाद अचानक एक सफेद प्रकाश और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा, इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस स्थिति पर समय भी स्टॉप हो जाएगा। तो चले हम इसे आपके सामने लाइव रूबरू बता के दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और कुछ अवकाशी पिंडों तक आपको टाइम लैप स्पीड से ले जाएंगे, लेकिन आपको जो व्यू दिखेगा वो एट द स्पीड ऑफ लाइट का दिखेगा। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं उसकी ओर लाइट की स्पीड से, और ये नजारा बस एक सेकंड में खत्म हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे चांद पे। चले चांद के बाद अब चलते हैं सूरज की ओर एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, हमने आपको ये जल्दी जल्दी दिखाया है और करीब 8.5 मिनट बाद ये व्हाइट स्पॉट आपकी आंखों के सामने से हट जाएगा और आप सीधे सूरज पर पहुंच जाओगे। चले अब चलते हैं अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम पर। पृथ्वी से निकलने के बाद आपको एज यूजुअल वही नजारा दिखेगा और आपके सामने से वो सफेदा करीब 4.5 साल बाद हट जाएगा और आप पहुंच जाओगे अल्फा सेंटोरी पर। दोस्तों, आपने इन सभी तस्वीरों में एक चीज मार्क की होगी कि हम जब पृथ्वी से निकलते हैं तब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और हम जब हमारी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हमें उसका व्यू दिखता है, लेकिन बीच में जब हम लाइट की स्पीड पे यात्रा कर रहे होते हैं उस वक्त हमें सिर्फ एक सफेद प्रकाश दिखता है, या यूं कहे कि सफेद ब्लाइंड स्पॉट दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि सारे रिफ्लेक्शंस खत्म हो जाते हैं और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मान लो कि प्रकाश का वाहक यानी कि प्रकाश का फोटोन कण भी अगर देख सकता तो वो जहां से पैदा हुआ है और जहां उसका अंत होगा ये दोनों स्पॉट ही देख पाता, वो बीच में कुछ भी नहीं देख सकता था। मतलब अगर प्रकाश का फोटोन कण हमारे सूरज में से उत्पन्न हुआ है तो वो सूरज पर खुद की उत्पत्ति देख पाता, और अगर वो पृथ्वी पे आके टकरा के नष्ट हो जाता है तो वो अपना अंत देख पाता, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ा के प्रकाश की गति पा लेने के बाद वो उस गति से कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सब कुछ ब्लाइंड हो जाता है। चाहे फोटोन का कण करोड़ों साल पुराना क्यों ना हो, चाहे उसकी उत्पत्ति दूर दर्राज की किसी गैलेक्सी में क्यों ना हुई हो, फिर भी वो अपनी शुरुआत और अपने अंत को ही देख पाता। बीच के करोड़ों सालों के सफर में क्या आया और क्या गया वो कुछ भी नहीं देख सकता है। पर दोस्तों, हमें तो देखना है कि प्रकाश की गति पे चलने पर वो एक्सेलरेशन पा लेने के बाद उस स्थिति में क्या होता है, क्या दिखता है, कौन से नजारे हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास कोई दिव्य चक्षु आ जाते हैं या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो जाती है कि उन पावरफुल कैमरास से हम प्रकाश की गति पर जो कुछ भी हो सकता है वो देख सके, तो क्या दिखेगा। चले वीडियो की असली शुरुआत करते हैं अब। दोस्तों, पहले जो भी कुछ आपने देखा वो सब कुछ नेचुरल था, अगर आप किसी तरह प्रकाश की गति पा ले तो वो ही दिखेगा जो मैंने पहले बताया। लेकिन अब कहे जाने वाली सारी की सारी बातें थियरीज और कैलकुलेशंस पर आधारित है। तो दोस्तों, चले हम पृथ्वी से निकलते हैं और अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, और जैसे ही हम प्रकाश की गति को छू लेंगे उस परिस्थिति में जिंदा रहने की संभावना बहुत ही कम बचती है।
क्योंकि स्पेस के वैक्यूम में घूमने वाले कुछ माइक्रो पार्टिकल्स भी, जो आमतौर पर तो हमारी बॉडी को छुए तो हमें पता भी नहीं चलता, मखमली लगते हैं और हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर हम प्रकाश की स्पीड पर हो तो वो हमें बुलेट की स्पीड से भी करोड़ों गुना ज्यादा स्पीड से टकराएंगे और हमारी बॉडी के चीथड़े उड़ा देंगे। ये होती है प्रकाश की स्पीड दोस्तों। लेकिन चले मान लेते हैं कि हम इस परिस्थिति में भी जिंदा बच जाते हैं, तो बाहरी दुनिया की घड़ी तो अपने टाइम पे चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से यात्रा करोगे और बाहर की दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव कर रही होगी। आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट सेम टाइम पे होंगे, मतलब आप एक ही टाइम पे कारण और उसके रिजल्ट को देख पाओगे। मतलब कि आप किसी तारे के जन्म को और उसके अंत को एक ही साथ देख पाओगे। आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए, उसका पूरा जीवन और उसकी ये दोनों घटनाएं एक साथ देख पाओगे। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये समझाना और समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि एट द स्पीड ऑफ लाइट पे चलने पर यही सब दिखेगा। दूसरी एक खास बात, एट द स्पीड ऑफ लाइट आप सिर्फ दो ही डायमेंशन को महसूस कर पाओगे। आपको सामने तो ब्लूइश या अल्ट्रावायलेट चीजें दिखेगी, लेकिन पीछे अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आप फोटोन के कण की स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। चीजें आपको बहुत ही वियर्ड दिखेगी और आप प्रकाश के फोटोन के कणों को भी अपने साथ गति करते हुए महसूस कर पाओ। दोस्तों ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन अब मान लो कि आप प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से ब्रह्मांड में सफर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या दिखेगा? तो दोस्तों वैसे तो हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं, और अगर हम ही प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से दौड़े तो किसी चीज को देख पाना तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हमने आगे बात की ना कि मान लो कि हमारे पास दिव्य चक्षु आ जाते हैं, तो इस स्थिति पे क्या क्या दिखेगा? दोस्तों आम इंसान के लिए इस स्थिति की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स के पास इसका भी जवाब है। दोस्तों हमारी इस दुनिया में हम प्रकाश की रफ्तार से, बहुत ही कम रफ्तार से यात्रा करते हैं, इसलिए हम कॉज के बाद इफेक्ट को देखते हैं। यानी कि हम बाप को पहले देखते हैं और उसके बेटे को उसके बाद जन्म लेते हुए देखते हैं। स्विच पहले ऑन करते हैं और टीवी बाद में चालू होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, प्रकाश की रफ्तार से अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉजेस एंड इफेक्ट्स एक साथ दिखेंगे। लेकिन प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट पहले दिखेंगे और कॉजेस उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों है ना कमाल की बात? जी हाँ, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार आपको प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेजी से चलने पर फल पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब आप बाप के जन्म से पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे, टीवी पहले चालू होगा और स्विच बाद में होगी, सुपरनोवा पहले होगा और तारे का जन्म उसके बाद, किसी की डेथ पहले दिखेगी और उसका बर्थ उसके बाद। दोस्तों इस रफ्तार से समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा, और निश्चित तौर पर ये बातें कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ती है, इसीलिए हमारे इस आम दुनिया में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी कारण कुदरत ने ये बैरियर बनाया है कि हम प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते, तो उससे फास्ट चलने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार पर खुद समय स्लो हो जाता है, लेकिन प्रकाश का बैरियर नहीं टूटता है, और ये ही हमारी भौतिकी का नियम है। पर दोस्तों भौतिकी के नियमों को चैलेंज करने की और उसके रहस्यों के जवाब खोजने की इंसान की पहले से ही फितरत रही है, और ऐसे ही एक इंसान थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक दिन एक सवाल सूझा कि अगर वो कोई आईना लेकर प्रकाश की रफ्तार से, बहुत ही करीबी रफ्तार से, यानी कि 0.9999999999% लाइट स्पीड की रफ्तार से अगर यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उनको अपना प्रतिबिंब दिखेगा? दोस्तों ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हम देख प्रकाश की वजह से पाते हैं। प्रकाश के फोटोन के कण जब हमारे मुंह पे पड़ते हैं, उसके बाद आईने पे पड़ते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आते हैं, तब जाकर हम आईने में हमारी शक्ल देख पाते हैं। और जो हम आईने में हमारी शक्ल देखते हैं वो फ्रेश नहीं होती, वो कुछ नैनो सेकंड पुरानी होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप खुद प्रकाश की रफ्तार से सबसे करीबी, द क्लोजेस्ट स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा कर रहे हो, तो क्या आपको आईने में अपनी शक्ल दिखेगी? यही सवाल एक दिन सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में उत्पन्न हुआ, और उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशंस किए, बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सालों बाद उनको जवाब मिला, और जवाब था जी हाँ, उनको अपना प्रतिबिंब आईने में दिखेगा, और उनको अपने प्रतिबिंब में कुछ भी वियर्ड नहीं दिखेगा या कुछ भी विचित्र नहीं दिखेगा, उनको साफ साफ अपना प्रतिबिंब दिखेगा,
लेकिन ये बात थी दोस्तों प्रकाश के सबसे करीबी रफ्तार की। लेकिन अगर आप प्रकाश की रफ्तार से आईना लेके यात्रा करते हो तो क्या दिखेगा, ये हमारे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अंत में एक बात कि रीडिंग इज द बेस्ट हैबिट। पढ़ना हमें सोचने पर मजबूर करता है और ये हमारे दिमाग को और ज्यादा शार्प बनाता है। तो आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट द गोसाई पे जरूर विजिट करें, जहां पर हमने ब्रह्मांड ज्ञान नाम की ई बुक के पहले पार्ट को प्रकाशित किया है। और बहुत ही जल्द इस ई बुक का हम दूसरा पार्ट आपके लिए फ्री में लाने जा रहे हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।